दोस्तों जो हम खाना खाते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये देखो जो हम तेल वाला खाना खाते हैं, एक बार मैम ये देखो हमारे पेट में चला गया खाना, इसको बंद कर दो, देखो इस तरह से हमारा खाना पेट में चला जाता है। और उसके बाद दिखाऊंगा आपको मैम ये खाने को निकाल दे एक बार, ये देखिए ये खाना आपने निकाल दिया, ये निकाल दिया आपके पेट में से निकल गया खाना, मान लीजिए आपने पानी पी लिया और वैसे आप फ्रेश हो गए और ये खाना आपका निकल गया। लेकिन अब आप हाथ पे दिखाना, ये देखिए कितना ऑयल है, ये कितना ऑयल है। उसके बाद यही ऑयल आपका इस तरह से, ये देखिए ये ऑयल आपका इस तरह से, यही ऑयल आपके लीवर पे चला जाता है, पहले पेट पे फिर लीवर पे। सर ये इस तरह से ही हमारा लीवर फैटी होता है, अल्सर होता है, हमें गंभीर समस्या जो पेट की है वो होती है, लीवर की होती है, ग्रेड वन लीवर होता है, फिर वो चलते चलते लीवर सिरोसिस तक पहुंच जाता है। हमें किस तरह का भोजन खाना चाहिए जिससे हमारा पेट भी स्वस्थ रहे, लीवर भी स्वस्थ रहे और पूरी बॉडी स्वस्थ रहे। जी जी जी, आप सत्य बता रहे हो, ये जो मृत भोजन हम खाते हैं, तेल से परिपूर्ण भोजन हम खाते हैं, इसी की वजह से फैटी लीवर हो रहा है, इसी की वजह से हमें कार्डियक अरेस्ट आते हैं। ये मृत भोजन आज ही त्याग दे। जो आपके लिए मैं सुपाच्य भोजन बता रहा हूं, ये थाली देखिए, इसमें स्प्राउट्स हमने लिया है, स्प्राउट्स में खीरा आदि काटा है, ये हमने गाजर मूली को कद्दूकस किया है, ये हमने चटनी बनाई है पुदीने की चटनी, इसमें हमने धनिया लिया है। इस सभी आहार को आप लेंगे तो ये जीवित आहार है, पोषक आहार है, आपके शरीर के लिए लाभकारी है, गुणकारी है। यही आहार आपको स्वस्थ कर सकता है। ये दूषित आहार आज ही त्याग दे, सुपाच्य आहार खाएंगे और अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे। दोस्तों एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं, देखिए ये मैंने व्हाइट कलर का नैपकिन ले लिया है और ये देखिए ये हमारे पेट में चला गया। ये देखिए इस तरह से आपके पेट में ऑयल जमा हो जाता है। उसकी बात करूं लीवर की, यही आपकी बीमारियों को कारण बनता है। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आप सैलेड खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं, इस तरह का जीवित फूड खाते हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं हो सकते, आपको कभी भी सीकेडी नहीं हो सकता, लीवर सिरोसिस नहीं हो सकता, आपकी हार्ट में ब्लॉकेज नहीं हो सकती, कोई भी गंभीर आपको रोग नहीं हो सकता। बताइए सर क्या जिस प्रकार से जानवर हमारे ताजा भोजन खाते हैं, जीवित आहार खाते हैं, कोई भी रोगी नहीं मिलता है, लेकिन आप तेल से, किसी नमक से, किसी अजिनामोटो से भिन्न भिन्न प्रकार के केमिकल डाल के अपने भोजन को दूषित कर देते हैं। तो जानवरों से आप प्रेरित होकर जीवित आहार करेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। आपका आहार ही आपको रोगी कर रहा है। अगर आपको निरोगी होना है तो ये अच्छा सुपाच्य आहार अपने जीवन में अपना ले और अपने शरीर को निर्बल करें, फैट लीवर से बचें, कार्डियक अरेस्ट से बचें, सीकेडी से बचें। ये आहार ही आपको औषध का रूप में एक प्रकार से ठीक कर देगा, स्वस्थ कर देगा। दोस्तों एक चीज आपको मैं अंत में बता देना चाहता हूं, अगर आप किसी भी गंभीर रोग और किसी भी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, इस समय मैं शुद्धि ग्राम में मौजूद हूं। शुद्धि ग्राम पूरे देश का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा नेचुरोपैथ और आयुर्वेदिक का हॉस्पिटल है, जो आचार्य मनीष जी की देखरेख में चल रहा है। और एक ही बात आपको अंत में बता देता हूं, आप अपना कोई भी सफल उपचार, आपको कोई भी गंभीर समस्या है तो आप यहां आके करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई पॉलिसी है तो आप वही इलाज आपका यहां निःशुल्क चलवा सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी जो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, वीडियो कॉल ओपीडी की आपके लिए हमने निःशुल्क सेवा रखी है, आप उन नंबरों पर संपर्क करके वीडियो कॉल के माध्यम से फ्री अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर के साथ परामर्श ले सकते हैं और अपना सफल उपचार करवा सकते हैं। धन्यवाद।